नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाइए, उसके बाद क्लास का शुभ आरंभ कर देंगे। आज जो हम डिजीज करेंगे वो हेलीमेंथीज से होने वाली डिजीज है। किससे? हेलीमेंथीज से होने वाली डिजीज है। आ गई बेटा आलिया, गुज्जर, मोहम्मद, साहिल, नीलम, राजक, सभी को गुड इवनिंग। शिवन, प्रतीक, विकास, कुमार, महाला, सॉरी, जुबेद, अंसारी, जॉय, बिडन, वाह क्या नाम है, देव, चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो आज जो हम रोग करेंगे वो हेलीमेंथीज से होने वाले रोग हैं और आपको पता होना चाहिए पहले तो यही बात कि हेलीमेंथीज क्या होते हैं, ना ये पता होना चाहिए। तो हेलीमेंथीज का पता लगा लेते हैं पहले, होते क्या हैं। तो आपके हेलीमेंथीज क्या होते हैं पहले तो यही पता होना चाहिए, हेलीमेंथीज क्या होते हैं। हेलीमेंथीज आपके कृमि होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। हेलीमेंथीज एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन शब्द है और एक कॉमन वर्ड है। और जितने भी आपके कौन होते हैं, जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं, जो कृमि होते हैं, जिनको हिंदी में कृमि बोला जाता है, जितने भी आपके कृमि होते हैं, वॉर्म्स, जो आपके होस्ट, जो आपके मानव में कह सकते हैं, जो रोग करते हैं, जो लिविंग होस्ट पे रहते हैं और वहां से खाना, मतलब उनमें एक तो उनके ऊपर रहेंगे भी, खाएंगे भी, मतलब अपना खाना भी लेंगे और उनको बीमारी और रोग भी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को तो पैरासिटिक बोला जाता है। तो ये जो वॉर्म्स है, कृमि है, ये लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे, लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे, किसके ऊपर, लिविंग जीवित होस्ट, जैसे हम एक जीवित होस्ट है इन सब कृमि के, इन सब वॉर्म्स के लिए। और ये जो वॉर्म्स है ये हमारे गट में पाए जाते हैं। गट क्या होता है? गट आपका जो माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये सब आपका गट होती है। क्या होती है? सबके सब आपके गट के अंदर आती है ना। चलिए बहुत बढ़िया नीलम राजा, क्या बात है, ब्रेड और चाय पी जा रही है मुझे लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आ जाइए स्टूडेंट ऑफ न्यू ऑफ योर चैनल, ओके बहुत बढ़िया। मोहम्मद साहिल, हाँ जी मैंने आपका नाम भी पहली बार देखा है, बहुत बढ़िया, चलिए आए हो तो जुड़िए और मजा लीजिए क्लास का, ठीक है। चलिए साइंस की बुक बताइए, किसके लिए साइंस की बुक बताई जाए। कॉमन वर्ड हेलीमेंथीज एक कॉमन, एक सामान्य शब्द है आपका, जो सारे कृमि और वॉर्म्स के लिए उपयोग होता है। और ये जो वॉर्म्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं खाना और उनमें रोग करते हैं। ऐसे जीवों को पैरासिटिक और परजीवी बोला जाता है, जो लिविंग होस्ट से, लिविंग जीवित व्यक्तियों से और जीवों से अपना खाना ले, उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। तो ये क्या है, पैरासिटिक है, क्या है, पैरासिटिक और परजीवी होते हैं और ये लिविंग होस्ट पे डिपेंड मतलब होते हैं। और आप इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। एक पेशेंट की इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कैसे ये विद्यमान होते हैं और जब हम ऑपरेशन वगैरह से कैसे निकाले जाते हैं। अब कई बार आपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आज देख लीजिए, ठीक है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नेक्ड नहीं दिखते, आप इनको देखिए, ये छोटी आंत, क्या है बेटा, ये आंत है जिसमें से ये चौमिन जैसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नूडल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले से, ये सभी जो इतने सारा निकला, ये सारे के सारे वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म जो आपकी छोटी आंत में से निकाला जा रहा है, समझ रहे हैं इस बात को, क्या है, ये छोटी आंत में से निकाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, छोटी आंत में से निकाला जा रहा है। चलिए देख रहे हैं आप, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा देखने में,
पर इसी तरीके से आपके ये वॉर्म्स निकलते हैं, ये चौमिन नहीं है, ये वॉर्म्स है, इतने सारे वॉर्म्स जिसको हेलिमेंथीज कहते हैं, कॉमन शब्द है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेलिमेंथीज से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या हेलिमेंथीज से कौन कौन से रोग होते हैं, जरा आपको बता दिया जाए। ये जो वॉर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, ये आपके इनवर्टिब्रेट होते हैं। क्या होते हैं? अकशेरुक जिसे बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और किसके मेंबर है, कौन से फाइलम और कौन से संघ के मेंबर हैं आपकी, ये आपके एस्कलमिंथस के मेंबर है। किसके मेंबर है? एस्कलमिंथीज के मेंबर है। एस्कलमिंथीज जिसको निमेटोड भी बोलते हैं आप, है ना, सभी ने सुना होगा, निमेटोड। निमेटोड यहां पर, जरा इसको एक मिनट रुकिए, यहां पर लिख दिया जाए, इसको इस पे लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए, ये क्या है आपके? निमेटोड है, और निमेटोड और एस्कलमिंथस भी कहा जाता है। ये क्या है? फाइलम और संघ का नाम है जिसके अंदर आपके ये वॉर्म्स आते हैं। क्या आते हैं आपके ये वॉर्म्स? एस्कलमिंथस क्या है? ये फाइलम है, और ये फाइलम किसका है? इनवर्टिब्रेट्स का है। इनवर्टिब्रेट्स जिसको आप हिंदी में अकशेरुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकशेरुक। क्या बोलते हैं? अकशेरुक बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा ये थोड़ा सा, इनवर्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अकशेरुक बोलते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, याद रखेंगे। अब उस डायग्राम पे आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट होते हैं, क्या होते हैं आपके? इनवर्टिब्रेट होते हैं बेटा, चलिए, क्या होते हैं आपके? इनवर्टिब्रेट अकशेरुक होते हैं। अब नेक्स्ट, सबसे पहला रोग जो आपके इन कृमि द्वारा होता है, वो आपका एस्कैरिस, जो फर्स्ट रोग है आपका, पहला रोग है आपका एस्कैरिसिस, जो एस्कैरिस द्वारा होता है। पहला रोग है आपका जो एस्कैरिस द्वारा, और इस रोग को एस्कैरिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्कैरिसिस बोला जाता है, जरा देखेंगे। और अब हम चीजों को, चलिए, एस्कैरिस बोला जाता है, एस्कैरिसिस बोला जाता है, नोट करेंगे इस बात को, एक मिनट, जरा इसको हटा दिया जाए पहले। चलिए, आ जाइए, चलिए, क्या बोला जाता है? एस्कैरिसिस, और ये किसके द्वारा होता है? एस्कैरिस द्वारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एस्कैरिस पैथोजन क्या है, रोग जनक क्या है इसमें? यह सामान्य गोल कृमि, जो आपके गोल कृमि होते हैं, और जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स, वो आपके एस्कलमिंथस के मेंबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल बनता है यहाँ से क्वेश्चन कि राउंड वॉर्म किसके अंदर, किसके मेंबर्स होते हैं? तो एस्कलमिंथीज के मेंबर होते हैं, जिनको निमेटोड भी बोला जाता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में रोग करते हैं। कौन सा? एस्कैरिसिस, ठीक है, राउंड वॉर्म, एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड, मानव की छोटी आंत का एक आंतो परजीवी, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग। कहने का मतलब, ये हमारी छोटी आंत में रहते हैं, कौन? आपके एस्कैरिस, और ये जो राउंड वॉर्म होते हैं। आगे बढ़ जाएं इसी के साथ, नेक्स्ट देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये रोग फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, है ना बेटा? तो आप सभी को दिखाई तो दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्लियर ना हो, ये बता दीजिए। स्क्रीन पे सभी दिखाई तो दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ऐसे पतली पतली होती है, स्नेक जैसी होती है, बिल्कुल। देखिए, नीतू सिंह, आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, वहां पर मैं आपके आंसर का जवाब दे दूंगी, ठीक है। आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, अभी क्लास ट्वेल्थ की चल रही है, आप बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट करेंगे, मैं आपका उत्तर दूंगी। पर इसी वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, या फिर रात की 8 बजे वाली क्लास में आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलिए, मोहम्मद अली गहनसा होते हैं राउंड वॉर्म, चलिए बहुत बढ़िया। और बच्चे कहाँ हैं? अभी मेरे को और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। शिवा
पुरानी प्रतीक दिख गई हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आप जवाब देते हैं जब एकदम से, तो मज़ा आता है ना, एकदम से रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर हम फटाफट से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, और बच्चे कहाँ हैं पुराने? प्रदीप कुमार और सब बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। बहुत बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार, क्या बात है, आप पुरानी अभी सुबह की क्लास में भी थे आप। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हेल्थी पर्सन में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता होगा, फैलता होगा? तो जैसे सब्जियों में, जैसे वेजिटेबल्स, आपने जैसे ये जो एस्कैरिस है, वेजिटेबल्स सब्जियों के माध्यम से, दूषित पानी के माध्यम से, अ हेल्थी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड दूषित वाटर, दूषित वेजिटेबल और फ्रूट, मतलब वेजिटेबल्स के अंदर। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो पत्ता गोभी वगैरह सब बोलते हैं ना, पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर कीड़े होते हैं, ऐसे आपने सुना होगा। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे दिखाई भी नहीं देते, तो इन सब ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं जिनके अंदर हमें नहीं पता चलता। अब जैसे मटर है, मटर का दाना है, उस पर लगा होगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन पत्ता गोभी जो होती है, इतनी होती है ना उस पत्ता गोभी की, कि पता नहीं चलेगा आपको अगर उसके अंदर होगा, ठीक है, और वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और फैलने का और संचरण का साधन और माध्यम है। आगे सिम्टम्स क्या है एस्कैरिसिस के, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो पहला सिम्टम है, दीज डिजीज इज करेक्टराइज बाय ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है आपकी छोटी आंत, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग वगैरह, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ये अब वहाँ रहते हैं और खाते रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जैसे अगर ये आपकी छोटी आंत पे रहते हैं, आपकी छोटी आंत में रहते हैं, जिस भी गट के किसी भी भाग में ही रहते हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी एस्कैरिस की बात कर रहे हैं। तो ये एस्कैरिस वगैरह जो होते हैं आपकी छोटी आंत में रहते हैं, तो जब इसके ऊपर ये फीड करेंगे, लगातार जब इसके ऊपर फीड करेंगे, खाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करेंगे। खाना कहाँ से खाएंगे भाई? रक्त वाहिकाओं के अंदर जो शुगर फ्लो कर रहा है, ये जो वॉल्स हैं जो आपकी बनी हुई है लिपोपॉलीसेकेराइड की, बाय लिपिड लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाय लेयर की बनी होती है, दो लिपिड की लेयर्स होते हैं, आप सभी को पता है ना। तो ये लिपिड्स वगैरह खाएंगी क्या? इन्हें ही तो खाएंगी, तो जब इन्हें खाएंगी तो ये टूटेंगे भी, टूटेंगे तो ब्लड भी निकलेगा, तो सिंपल सी बात है। फीवर वगैरह भी होता है, याद रखना, हमारी बॉडी में ऐसा भी कोई भी अबनॉर्मल चेंज होता है तो फीवर ज़रूर होता है, फीवर ज़रूर होता है। कुछ भी चेंज होता है, जब भी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है किसी के भी खिलाफ, तो थोड़ा सा फीवर होता ही, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका, तो फीवर भी होता है। एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, तो इसमें जो मेन आपका सिम्टम जो आपको लर्न करना है ध्यान से, वो है आपका इंटरनल ब्लीडिंग का और एनीमिया, एनीमिया रोग होता है एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका, द एग्स ऑफ पैरासाइट कम अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल वाटर एंड प्लांट। तो अगर ये कंटामिनेटेड सॉइल वाटर और प्लांट के द्वारा भी अगर आपकी फीसिस के द्वारा ये कृमि उसमें आए, बाहर निकले, तो भाई सिंपल सी बात है कि सॉइल वाटर और आपके प्लांट्स के द्वारा भी फैलेंगे, ठीक है। द एग्स ऑफ पैरासाइट्स कम आउट अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जब एक इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसने क्या किया, एक्सक्रीट किया, एक्सक्रीट में अगर आपके ये निकले, अगर जैसे पहले खुले में शौच होता था, आप सभी को पता है जो गांव वगैरह के इलाके हैं वहाँ, मतलब बाहर, मतलब उस टाइम तो टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे, अभी तो चलो बहुत जगह बन चुके हैं, लेकिन जब अगर खुले में अगर आप करेंगे तो सिंपल सी बात है ये वॉर्म्स फैलने के चांसेस रहेंगे। तो यही बात इसने कही है। बाकी सिम्टम्स आपके आप नोट कर लेना, ये वाला सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और ये वाला सिम्टम जो मेन सिम्टम है वो ये कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और साथ में आपका एनीमिया, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ब्लड लॉस होगा, तो सिंपल सी बात है एनीमिया होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका फिलेरेसिस। क्या है फिलेरेसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस रोग को स्टार लगा के मार्क करना है।
इस रोग को स्टार लगा के, और इम्पोर्टेंट ये रोग है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा जो और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रोग है, क्योंकि ये रोग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो पैथोजन है, रोग जनक है, वो कौन है? वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी, पूरा नाम होता है डब्ल्यू, मतलब वुशेरिया क्या है, ये वंश नाम जिसको जीनस नाम बोलते हैं, और बेनक्रॉफ्टी आपका जाति है, मतलब स्पीसीज है। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताती रहती हूँ जिससे आपको एकदम रट जाए कि वंश नाम, जीनस, स्पीसीज क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो आपके दिमाग में बार बार आता रहेगा तो चीज़ें आपको समझ में और बेहतर समझ में आएंगी जब चीज़ें और क्लियर। मैं हमेशा बोलती हूँ इस तरीके से आपको बताती हूँ कि आपको चीज़ें इस तरीके से क्लियर दिखाई दें, ये झूंझू वाला नहीं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं लेकिन क्लियर नहीं है आपका कॉन्सेप्ट। जब एकदम क्लियर चीज़ें होती हैं ना तो पेपर भी आप उतनी ही क्लियरिटी के साथ, चाहे वो जो ऑब्जेक्टिव, याद रखना ऑब्जेक्टिव पेपर, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर में डिफ़िकल्टी होती है। ऑब्जेक्टिव अगर आपके ऑप्शंस दिए हैं तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्वेश्चन का, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव करते हो, सब्जेक्टिव जिसमें आप बड़े बड़े दो 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 तीन तीन पेज भर जाते हो, उसमें तो आप दो तीन लाइनें अगर गलत भी लिख दो, इधर उधर भी लिख दो, तो इतना ज़्यादा हाफ मार्क्स कटेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव बच्चे जो पेपर देते हैं, जो भी आपके विभिन्न पेपर होते हैं, चाहे SSC के पेपर हो, चाहे आपका नीट का पेपर हो, चाहे एम्स का पेपर हो, क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, चाहे जो भी रेलवे, जो भी आपके एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्यों ऑब्जेक्टिव होते हैं? आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, क्योंकि ABCD ऑप्शन में तो हर बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा जब तक चीज़ें पता नहीं होंगी अच्छे से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट बात आती है वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये दो स्पीसीज हैं, याद रखना, डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी ये एक स्पीसीज है आपके हेलिमेंथीज की, और दूसरी स्पीसीज है डब्ल्यू मलाई, ये तो याद रहेगा, मलाई नाम, मलाई ये दूसरी स्पीसीज है, ये पहली स्पीसीज है। इन दोनों से क्या होता है आपका? फिलेरेसिस होता है। क्या होता है? फिलेरेसिस होता है, याद रखना। और फिलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, नॉर्मल जो कॉमन नाम है इसका, फिलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये बाइट, आपको पता है, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, जैसे कि आपका डेंगू वगैरह हो गया, मच्छर के द्वारा फैलता है, वैसे ये मादा मच्छर, क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से फैलता है। समझ जाएंगे इस बात को। द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, किसके द्वारा? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। मादा मच्छर के काटने से फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल करवा दिया जाएगा, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल करवा दिए जाएंगे क्लास ट्वेल्थ के। कल मैराथन में जुड़ना ना भूलेगा, 8 बजे, सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलेगा। कल 8 बजे, सुबह 8 बजे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। क्लास ट्वेल्थ के आपके विभिन्न क्वेश्चंस करवाऊंगी, मॉडल पेपर क्या हो गया आपका, हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा बेटा, चाहे पिछले ईयर का हो चाहे आने वाला हो। इसीलिए तो आपके, ज़रा देखिए, ज़रा आप एग्जामपुर बोर्ड एग्ज़ाम पे जाके, वहाँ ऊपर आपका लगा होगा थंबनेल पे, लिखा होगा 100 out of 95। अगर ये लिखा है ना 100 out of 95, तो ये आपका पूरा करके भी दिखाएंगे, ठीक है, 100 out of 95 ला के भी दिखाएंगे। पर ये है कि हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उतना, और उतनी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे आ जाइए भाई, कर लिया ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये बात को आप स्टार लगा के मार्क कर लेना, क्योंकि इस इतने लाइन में से क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों, जब आप पेपर दोगे ट्वेल्थ के बाद तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए अभी से लर्न कर लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाए, अब सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स दिखाई तो दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन है तो व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा तो बता देना, मैं बोल तो मैं दूंगी ही आपको, लेकिन आपको दिखाई भी देना चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। चलिए, द फिलेरियल वॉर्म कॉजेज स्लोली डेवलपिंग अ क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स।
बहुत सालों तक एक तो ये हमारे अंदर रहते हैं और इनका जो बीमारी है, जो रोग है, वो धीरे धीरे ये डेवलप करते हैं। और साथ में इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, कल भी बताया था, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन। क्या होता है? सूजन होता है। क्या होता है? सूजन होता है, याद रखें। द यूजुअली अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ही मेन सिम्टम। किसको अफेक्ट करते हैं, किस किस अंग पे आक्रमण करते हैं या किस भाग पे आक्रमण करते हैं, जो आपकी लसिका ग्रंथि होती है, लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फ्स होते हैं, लसिका जो आपकी होती है, जिसको हिंदी में लसिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लसिका और लिम्फ। उन लिम्फ वेसल, उन लिम्फ वाहिकाओं के ऊपर, लिम्फ वाहि लसिका वाहिकाओं के ऊपर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, किसके ऊपर? लिम्फ वेसल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग ऑफ लेग्स, स्क्रॉटम एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। इसमें जो आपकी टांगे होती हैं, इसमें जो टांगे होती हैं, इसमें बहुत सारा भाग आपके शरीर का इतना बड़ा बड़ा सा फूल, मतलब इनफ्लेम्ड, मतलब सूज जाता है। चाहे वो स्क्रॉटम हो, स्क्रॉटम क्या होती है? अंडकोश, जिसमें टेस्टीज, मेल की जो टेस्टीज रोशन होती है, वो किसमें होती है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्क्रॉटम थैली, थैली जिसको अंडकोश बोला जाता है, उस थैली में, स्क्रॉटम में विद्यमान होती, वो भी बहुत ज़्यादा सूज जाती है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा ही पीछे हो गया, इसको आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम आगे बढ़ गए क्या? ठीक है, कोई नहीं, हम ठीक पे हैं। चलिए, ये आपका मतलब उस सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट आपका ये पॉइंट है, उसके बाद डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, चिंता नहीं करना। एक बार ये एक लाइन है, यहाँ पर कुछ बड़ी लाइन नहीं है, कि आपके ये जो बीमारी है, जो फ्लोरेसिस बीमारी है, याद रखिएगा, इसको एलिफेंटेसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिफेंटेसिस भी बोला जाता है इसे। इसको स्टार लगा के मार्क कर लेना, क्योंकि हाथी जैसे बड़े बड़े पांव हो जाते हैं, हाथी जैसे बड़े बड़े पांव, और आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्क्रॉटम, जैसे कि अंडकोश, और जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट वगैरह, ये सब भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, इनफ्लेम्ड हो जाती हैं, यही लिखा हुआ है। एंड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब होता है एक्सट्रीम केस का इन्फेक्शन हो जाता है आपके जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे फीमेल में आपका, जैसे वेजीना, योनी, ये सब सर्विक्स, ग्रीवा, और आपकी अंडाशय, ओवरी, ये सब जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जेनाइटल। वैसे ये मेल में जैसे स्क्रॉटम वगैरह, टेस्टीज, ये जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। अब ज़रा डायग्राम से आगे देखेंगे। अब डायग्राम है आपका, ये आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति की टांगे दिखाई दे रही है, कितना सूज गई है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख रहे हैं इसका, इसकी लात भी सूज गई है, साथ में जो स्क्रॉटम भी बड़ा सा हो गया है। और ये एक व्यक्ति है असलियत में, ये भी आपका सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, असली में किस तरीके से पैर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये आपका वॉर्म है जिससे ये रोग होता है। चलिए, यहाँ पर आपका एलिफेंटेसिस और फिलेरिसिस ख़त्म है, और यहाँ से आपका फंगल डिसऑर्डर आपका क्या है? स्टार्ट है। मतलब वो रोग जो फंगल के द्वारा और कवक के द्वारा होते हैं, ठीक है। चलिए, कवक के द्वारा जो रोग होता है, पहला देखेंगे रिंग वॉर्म, और जिसको हिंदी में दाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाद भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? दाग भी बोलते हैं। अभी निकालती हूँ ज़रा, क्योंकि आपका ये ज़रा पीडीएफ फॉर्म है और वो सिर्फ पीपीटी फॉर्म में खुलता है, तो फंगल, तो इसलिए मेरे को दो दो जगह खोलना पड़ता है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर देखिए फंगल डिजीज और फंगल और कवक के द्वारा होने वाला रोग, और पहला रोग है आपका जिसको रिंग वॉर्म और दाद बोला जाता है। आपने कई बार ये बात नाम सुना होगा, दाद हो गया, रिंग वॉर्म, विंग वॉर्म, इस इंग्लिश में इस रोग को बोलते हैं। दाद तो हम बड़े कॉमनली इस शब्द का प्रयोग करते हैं, दाद का। पैथोजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैथोजन का जानना भाई बहुत ज़रूरी है। पैथोजन और कौन करता है रोग जनक? मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, बोला है जो माइक्रोस्पोरम जेनेरा, जेनेरा मतलब जीनस,
जो वंश नाम आपके माइक्रोस्पोरम, जिसका भी वंश नाम माइक्रोस्पोरम होगा वो आपका रिंग वॉर्म करता है, ठीक है। वैसे आपसे डायरेक्टली यही पूछता है कि किससे होता है, तो कवक द्वारा ये रोग होता है। और इसके अलावा जो माइक्रोस्पोरम जेनेरा वंश में होते हैं और जो ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मो नाम से ही पता चल रहा है, डर्मल एपिडर्मल त्वचा से रिलेटेड संबंधित बीमारी है। इसका मतलब ये है कि ये त्वचा के ऊपर आपका सिम्टम्स और लक्षण दिखाता है। आप सभी को पता है रिंग जैसे ऐसे गोल गोल से सिम्टम आने लगते हैं, रेड रेड कलर का हो जाता है ऐसे रिंग जैसे। आगे डायग्राम भी दिखाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म फॉर द मोस्ट ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कर लेते हैं पहले कि किस द्वारा ये फैलता है। जैसे बड़ा ही कॉमन सा है ये, अगर आप जैसे कि अभी तो इसमें लिखा हुआ है, बाकी आप सभी को पता है, अगर आपके शरीर में मान लीजिए मेरे को चेहरे पे एक्ने होते हैं, क्या होते हैं मेरे शरीर में फिंसियाँ और पिंपल्स होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा जिनको पिंपल्स और एक्ने होते हैं वो अपना टावल, अपना साबुन, अपने कपड़ों से हाथ नहीं लगाने देते, हैंकी जिसका उपयोग करते हैं उसको हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि आपके एक्ने से जो फ्लूइड निकलता है, अगर वो फ्लूइड आपके टावल पे लग गया, आपके हैंकी पे लग गया और उसी हैंकी को दूसरे व्यक्ति ने प्रयोग कर लिया, तो उस पे लगा जो आपका फ्लूइड है, जो आपके पीक निकली है, पीक बोलते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में, आपके एक्ने से जो निकली है, उस व्यक्ति को भी हो जाएगा जो उसमें रोग कर देगा, बात समझ रहे हैं। वैसे ही आपका रिंगवॉर्म होता है, ये भी स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन में जब भी आप किसी चीज़ का प्रयोग करोगे तो इसका जो कवक है, फंगस है, ये जो है पैथोजन है, वो आपके सिंपल सी बात है टॉवल वगैरह पे लग जाएंगे, तो आप जब भी उसका किसी भी चीज़ का प्रयोग करोगे तो यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो उसमें फैलेगा। यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन और संचरण की विधि और मोड है। रिंग वॉर्म आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉइल, सॉइल के द्वारा भी फैलते हैं, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल्स क्लोथ्स, ठीक है, इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर उसके सर में हो रही है, सर में भी दाद होती है, सर में भी दाद और रिंग वॉर्म होता है, बहुत सूज सा भी जाता है और बहुत रेड रेड सा, और वहाँ से हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं, बाल भी हट जाते हैं उस जगह के, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति का अगर कंघी भी उपयोग करते हो तब भी ये रोग हो जाता है, इसलिए ध्यान से उपयोग किया कीजिए। नाउ सिम्टम्स, ड्राई स्केली लीजन्स, स्केली ड्राई स्केली लीजन्स शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे जो त्वचा, नाखून की खोपड़ी और सूखे टेढ़े घावों का दिखना रोग के मुख्य लक्षण है। ये घाव तीव्र खुजली के साथ होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा खुजली करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। डायग्राम देख लेते हैं, सिम्टम्स आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे ये व्यक्ति जैसे वो व्यक्ति, इसके तो आपको बाल का यहाँ पर दिखा रखा होगा, यहाँ पर हेयर्स नहीं है और ये आपको रीजन रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसके तो पूरे के ऊपर शरीर में, पूरे शरीर में इसको रिंग वॉर्म्स हो रहे हैं, मतलब दाद हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से डायग्राम, और इसको समझ जाना यही इसके सिम्टम्स है, जो नॉर्मल सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, ड्राई स्केली लेजन मतलब जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, और स्केली लेजन आप हाथ मारोगे तो पूरा ऐसा निशान वगैरह पड़ जाएगा खुजली का, ठीक है। और इस तरीके से ये एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो वह बहुत बेकार दिखता है ये रोग, और गंदा दिखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमीबाइसिस पे, किसके ऊपर, एमीबाइसिस और एमीबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एमीबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है, हाँ, अनेक भागों में भी हो सकते हैं एक साथ, बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हो बेटा। चलिए, हेड में डेंड्रफ एंड रिंगवॉर्म सेम होता है मैम, नहीं बेटा, डेंड्रफ अलग चीज़ है और आपका रिंगवॉर्म अलग चीज़ है। ओके ओके सुरेंद्र कुमार, फंगल ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, और किसी को डाउट है, रचिका विद्या भैया, मेडिसिन होती है सब चीज़ों के लिए, मेडिसन्स होती है, सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि जिसको है उसका कुछ ऐसा इस्तेमाल ना कर लें आप, टावल वगैरह इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा,
है ना। तो सबसे पहला तो यही होता है आपका प्रिकॉशंस। अब ये हो कि जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको मास्क लगाने के लिए बोला है, तो सबसे पहला काम क्या है, मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखिए। सबसे पहला तो आपका यही स्टेप है अपने आप को कोरोना से बचाने का। उसके बाद जब हो जाए उसके बाद तो दवाई काम आएगी, उसके बाद तो फिर दवाई है। फिर चलिए सबसे पहले तो यही है, बचा कैसे जाए कि पहले तो सबसे पहले कि बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ए क्योर। मतलब पहले प्रिवेंट कर लीजिए अपने आप को, मतलब उस चीज़ से पहले थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। उसके बाद जब हो जाए बोला जाता है क्योर, जब आप दवाई लेते हो वो ज़्यादा बेटर है प्रिवेंशन से, क्योंकि दवाई से एक चीज़ थोड़ी, कई सारे और भी तो मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। दवाई लेना स्टार्ट हो गया मतलब आपको रोग है, फिर आपको रोग है तो दवाई ले रहे हैं उसमें आपका समय भी तो जाएगा भाई, जितने दिन बीमार पड़ोगे उतने दिन बेड पे लेटे रहोगे, काम वाम सब बंद हो जाएगा। इससे बढ़िया यही है कि प्रिवेंशन कर लो, इससे बढ़िया यही है कि दूरी बनाए रखो, इससे बढ़िया यही है कि घूमना कम कर दो थोड़ा, दोस्तों के घर बाहर जाना, मार्केट में जाना, शॉपिंग वगैरह करना थोड़ा सा रोक लो, है ना। ये मास्क लगा के रखो, थोड़ी सी समस्या होगी, सभी को होती है, थोड़ी सी होगी, लेकिन यह है कि बचे रहोगे। उस एक्सट्रीम केस से तो यही बेहतर है कि मास्क लगा लिया जाए और प्रॉपर जो भी मेजर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने दिए हैं, जैसे प्रॉपर मास्क लगाया जाए, प्रॉपर दूरी रखी जाए, मतलब डिस्टेंस हो, है ना, जो भी आपके और जितने भी दिए हैं, कितने गज की दूरी हो, है ना, सब इन सब चीज़ों का पालन करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए, रिंगवॉर्म एंड डेंड्रफ इज़ नॉट अ सेम। यस, डेंड्रफ आपके बोल सकते हैं कवक के द्वारा होती है, इस बात को ध्यान रखना। ओके बेटा, ओके चलिए आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। एमीबाइसिस और एमीबिक डिसेंट्री भी इसे बोलते हैं, एमीबिक पेचिश भी बोलते हैं और एमीबाइसिस भी बोलते हैं। एमीबाइसिस और एमीबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होती है आपके, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोइन पैरासाइट एंड एमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा ये आपके प्रोटोजोइन से होने वाला रोग है, किसके द्वारा, प्रोटोजोइन से होने वाला रोग है। इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोइन पैरासाइट। प्रोटोजोइंस किसके अंदर आते हैं, यहाँ से क्लियर करिए जरा प्रोटोजोइन, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। प्रोटोजोइन आपका जो एंट एमीबा हिस्टोलिटिका रोग, सॉरी ये जो मैंने तो नाम ले दिया उस रोग, मतलब उस कह सकते हैं रोग जनक का और पैथोजन का जो आपका एमीबाइसिस करता है, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। बात आती है ये एंट एमीबा हिस्टोलिटिका किस, कहाँ, किसके अंदर आते हैं, किसके मेंबर हैं, ये बैक्टीरिया है, कवक है, फंजाई है, प्लांटे हैं, क्या है, प्लांट है, एनिमल है, इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है क्या, तो बोला जाता है प्रोटोजोइंस है। बोला क्या है, ये क्या है, ये प्रोटोजोइंस है, जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं ना, मुनेरा के बाद जो आपका प्रोटिस्टा जगत आता है उसके अंदर आपके प्रोटोजोइंस जो ग्रुप होते हैं, प्रोटोजोइंस के अंदर आते हैं आपके कौन, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, जो आपका ये रोग करते हैं, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि हम अंडरलाइन भी करते हैं, वैज्ञानिक नाम है ना। इट इज़ अ लार्ज इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज बड़ी आंत में पाए जाते हैं, इट इज़ इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। यह मानव की बड़ी आंत में एक प्रोटोजोआ परजीवी एंट एमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। पैथोजन लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाउस फ्लाई किसके द्वारा फैलता है, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई याद रखना, इसको नोट कर लेना, स्टार लगा के इसे मार्क कर लेना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका क्या है, और ज़रा रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ में। आपका एमीबाइसिस किसके द्वारा फैलता है, एंट मतलब किसके द्वारा होता है, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, किसके द्वारा फैलता है आपका, हाउस फ्लाई और घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, जो एज अ मैकेनिकल कैरियर एक्ट करती है एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन
तो फूड एंड अ फूड प्रोडक्ट होता क्या है? अब पहले खुले में शौच होता था, कहने का मतलब टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो क्या जब हमने एक्सक्रीट किया तो एक्सक्रीट में ये जो प्रोटोजोइंस होंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका के, तो मक्खियाँ बैठती हैं, सिंपल सी बात है, तो हाउस फ्लाई जब ये बैठेगी इसके ऊपर तो ये वाले प्रोटोजोआ लेके जाएगी, और यही मक्खी जब आपके खाने के ऊपर बैठेगी तो क्या ट्रांसमिट कर देगी भाई, ये प्रोटोजोआ ट्रांसमिट कर देगी, और ये व्यक्ति क्या करेगा, इस खाने को क्या करेगा, खा लेगा, समझ रहे हैं, खा लेगा, समझ रहे हैं, इस तरीके से फैलता है। तो खाना साफ खाना चाहिए, गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए, दूषित खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा आपकी सफाई होगी, जितना ज़्यादा चीज़ों में घर में सफाई है, आसपास सफाई है, उतना ज़्यादा रोगों से आप, उतना ज़्यादा आप रोगों से मतलब बचे हुए हैं, इसका मतलब ये, उतना ज़्यादा आप रोगों से बचे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फूड एंड फूड प्रोडक्ट देर वाई कंटामिनेटिंग देम, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का सिर्फ हाउस फ्लाई याद रखना, हाउस फ्लाई से जब आपको आंसर बनाना होगा तो कई सारे आप मतलब अच्छे से आप आंसर बना सकते हैं अपना, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट होता है। चलिए किस तरीके से, बाकी और क्या है, इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब वही है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का आपका, एंड द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा और दूषित खाना जिसमें ये प्रोटोजोएंस है, ठीक है, उसके द्वारा ये फैलता है, और एडल्ट एंट अमीबा को इज कॉल्ड ट्रोफोजाइट एंड इज मोनोपोडियल। ये बाकी स्टेजेस हैं आपकी, मतलब आपका जो प्रोटोजोआ है, जैसे लार्वा वगैरह बनता है, स्टेजेस होते हैं सबके, जैसे हमारे जीवन में चरण होते हैं, बच्चा होता है, एडल्ट होता है, बूढ़ा हो जाता है, वैसे ही जो इसकी स्टेज होती है उसके एक स्टेज को ट्रोफोजाइट बोला जाता है। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है जब ये युवा अवस्था में होता है तो इसको ट्रोफोजाइट बोला जाता है एंड इज मोनोपोडियल। इट हैज़ टू फॉर्म्स, मैंगा और पैथोजेनिक फॉर्म, फाउंड इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, फॉर्मिंग अल्सर एंड माइन्यूटा एंड नॉन पैथोजेनिक फाउंड इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या बोला है, बात समझ में आ रही है आप सभी को, ये बोला गया, इसने बोला है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, बड़ी आंत में होता है हमारा, फिर ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी ये जो वॉल्स की लेयर होती है, इस वॉल्स की लेयर को बोला जाता है, मतलब वॉल्स ये जो लेयर होती है, परतें, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की परतें होती है। तो बोला है जो इन्फेक्शन होता है ना, रोग, जो पैथोजेनिक फॉर्म है, जो रोग करता है, वो आपके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में रहते हैं, किसमें, इसमें, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में। और कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे भी इनके फॉर्म होते हैं जो ल्यूमन में रहते हैं, ल्यूमन होती है खाली स्पेस, ये इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली स्पेस है ना, इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन में कौन रहते हैं, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, याद रखिएगा। तो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म जो रोग नहीं करती है वो कहाँ रहती है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, और जो रोग करती है वो कहाँ रहती है, आपकी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में। यही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद यही रखना है कि इसकी एडल्ट फॉर्म को ट्रोफोजाइट बोलते हैं, और इसकी दो फॉर्म होती है, एक इन्फेक्शन जो करती है जो आपका क्या रोग करेगी, एक वो जो रोग नहीं करती है, जो रोग करती है वो म्यूकोसा लेयर में होती है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा जो आपकी वॉल की लेयर्स होती हैं, ठीक है, और जो नॉन पैथोजेनिक होती है वो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में, इतनी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, मतलब कि एंट अमीबा हैज, मतलब इसी के बारे में है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट रोग है, पूछा जाता है तो थोड़ा सा और डिटेल में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। एंट अमीबा हैज नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, याद रखना, आपके हर एक ये जो आपके प्रोटिस्टा लोग होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। वैक्यूल को हिंदी में रसधानी बोला जाता है। वैक्यूल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब जो आपकी मूवमेंट वगैरह शो करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल, रसधानी, रसधानी हिंदी में बोला जाता है आपके वैक्यूल को। वैक्यूल का काम होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, वाटर को, आयंस को अपने अंदर संग्रहित करके रखना, वैक्यूल्स का ये काम होता है, ये वाटर को स्टोर करती है, आयंस वगैरह जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसके सेल के, ये वैक्यूल और रसधानी का काम होता है। तो बोला है एंट अमीबा में नहीं होता भाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होगा ना वो मूवमेंट में मदद करेगा, याद रखना, सेल के अंदर। ट्रोफोजाइट ऑफ एंट अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, तो आपको पता है अमीबा वगैरह
सब फिजन्स के द्वारा जिसको द्विखंडन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनरी फ्यूजन को हिंदी में द्विखंडन, वैसे हिंदी में नीचे लिखा हुआ है पर वैसे मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ, प्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन के द्वारा अपने आप का प्रजनन और रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। माइन्यूटा फ्रॉम इंसेस्ट, ये आपका अलग पॉइंट है, इसको अगर आप मेच्योर सिस्ट, मतलब ये इसके अलग अलग फॉर्म है, ये मतलब इसके इमेच्योर फॉर्म है। सिस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब आपकी होती है लेयर, सिस्ट जो होती है वो लेयर होती है जिससे ये इनएक्टिव की तरह रहते हैं। मतलब इनएक्टिव मतलब कि कुछ भी, मतलब दे आर इनएक्टिव, मतलब जब वो रोग नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक सिस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। सिस्ट एक कवरिंग जैसी जो उनकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इनके बारे में दे रखा है, मैच्योर सिस्ट इज कॉल्ड क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बोला जाता है। चार न्यूक्लियाई होते हैं इनमें, टू क्रोमेटेड ठीक है बॉडीज। चलिए, टू रिजर्व फूड मटीरियल इन द सिस्ट इकोलाई हिस्टोलिटिका इज अ ग्लाइकोजन, इनमें जो स्टोर्ड फॉर्म होता है जिनमें ये अपना खाना स्टोर्ड करते हैं वो होता है ग्लाइकोजन। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना, बाकी वो समझने के लिए आपका था। सिस्ट वगैरह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड वाले बच्चों के लिए, आपको समझने के लिए, आपके आंसर में देने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि आंसर को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए और अच्छा लगेगा, जब आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा पता होती है ना तो टीचर को जब एग्जामिनर चेक करता है ना आपकी कॉपी तो उसको मज़ा आता है, उसको लगता है वाह बच्चे को बड़ा पता है, चाहे उस टीचर को ना पता हो जो चेक कर रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, इज अ ग्लाइकोजन एंड क्वाड्री मतलब उसको एक्सेप्ट, मतलब वो उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी ना उसको आपसे, उसको लगेगा ठीक है इतना लिखा होगा सभी बच्चों ने, लेकिन आपने जब दो लाइनें भी एक्स्ट्रा आप डाल देते हो ना तो बहुत अच्छा आपकी कॉपी का जो चेक करता है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है ना। दो लाइनें भी, दो वर्ड भी अगर आप ऐसे लिख दो जो उसको मतलब उसने एक्सपेक्ट ना किए हों आपसे कि आप लिख सकते हो, तो उसको अच्छा लगता है, फिर भर भर के मार्क्स देता है। तो इस तरीके से आप पेपर की स्ट्रैटेजी होती है भाई, और जो इस स्ट्रैटेजी से करता है फिर उसके फुल मार्क्स भी आते हैं, आप सभी देखते हैं। क्या पूछा गया था माहिर गुज्जर, अपने क्वेश्चन को प्लीज शेयर कीजिएगा। रिंग वॉर्म ऑफ द स्कैल्प, ये छोटी फंजाई या मैसे के रूप में प्रबंध होकर ठीक है, अपने क्वेश्चन को पूछेगा बेटा माहिर गुज्जर अच्छे से जरा। हाँ, एथलीट फुट भी बोला जाता है, वेरी नाइस। रिंग वॉर्म को एथलीट फुट भी बोला जाता है, बिल्कुल। जब आपके जो एथलीट्स होते हैं, क्योंकि जो वॉर्म्स होते हैं, जो आपके सॉरी ये जो आपके कवक वगैरह होते हैं, ये जो आपके रिंग वॉर्म्स जिसके द्वारा ये जो रोग होता है रिंग वॉर्म, ये इनको कैसी कंडीशन चाहिए होती है? थोड़ी सी ना मॉइस्चर वाली, जिसमें नमी भी हो और जिसमें गर्माइश भी हो। तो जो एथलीट होते हैं वो सॉक्स पहन के रहते हैं और शूज़ पहन के, तो गर्माइश भी होती है और पसीना वगैरह भी पड़ता है, तो उसकी वजह से ऐसे एरियाज़ में ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे हमारे आर्मपिट वगैरह में, जैसे हेयर्स वगैरह में, आपके स्कैल्प में, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर भी होता है और वहाँ पर आपकी हीट गर्माहट भी होती है, उस जगह में ये ज़्यादा ग्रो करते हैं आपके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कवक वगैरह को भी ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स, जो इम्पॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स आपको याद रखने, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसके, जितने भी दिए हैं इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके एमीबाइसिस में कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज बोलते हैं, कब्ज हो जाता है, पेट दर्द, एंठन और मल के साथ अधिक बलगम और रक्त के थक्कों का रक्त के थक्कों की विशेषता है, याद रखिएगा। मतलब ये आपके क्रैम्प्स वगैरह, दर्द पड़ना पेट में, स्टूल्स विद एक्सेस ऑफ म्यूकस निकलता है एंड ब्लड क्लॉट्स, जो आपका स्टूल निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, मलाशय से, रेक्टम से, उसमें ब्लड वगैरह भी और म्यूकस बहुत ज़्यादा। म्यूकस क्या होता है? व्हाइटिश सा, चिकना सा, जो आप सर्दियों में निकलता है आपके नाक से, वैसा वो म्यूकस होता है, तो वो भी ज़्यादा मात्रा में आपके स्टूल से निकलता है। ये सिम्टम होता है और ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है और ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है बेटा। लाइफ साइकिल
देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये थोड़ा सा ना इलेबोरेट आपकी लाइफ साइकिल है, तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपकी इस वाली को और आपकी मलेरिया की, दोनों को, ठीक है। मलेरिया है अब आपका आगे, जो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से, वो भी, और ये वाली लाइफ साइकिल भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाली लाइफ साइकिल और मलेरिया की लाइफ साइकिल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके, और थोड़ी सी लंबी लाइफ साइकिल है तो आपको टाइम हो चुका है, फिर नेक्स्ट टीचर आ जाता है तो आधे में छूट जाएगा, फिर आधे में नहीं छोड़ना है, लगातार करेंगे बढ़िया तरीके से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपका टाइम भी हो गया है क्योंकि नेक्स्ट टीचर का, तो अभी हम इस क्लास को तो यहीं पर अभी यहीं तक रखेंगे, बाकी कल दोबारा से आपके साथ, सॉरी मंडे को, अब है ना, मंडे को शाम 5 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ जाएंगे, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बाकी आपकी पूरी लाइफ साइकिल के साथ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो बीच में छूट जाएगा, इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, वहीं पर लगातार शुरुआत करूँगी। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, देख लीजिएगा और नज़र ज़रूर मारिएगा, और जितना पढ़ाया जाता है आपको ज़रूर रिवाइज करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने रोग किया था, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, पैथोजन का नाम बताइए मुझे, अभी बताएंगे आप सब बच्चे कमेंट करके, पैथोजन का नाम बताइए। टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जितने बच्चे जुड़े हैं, टाइफाइड के पैथोजन का मतलब रोग जनक का नाम बताइए मुझे, और इसके टेस्ट को, इसके जो परीक्षण होता है, जो इसका टेस्ट होता है, उसका नाम बताइए, साथ में एक सिम्टम बताइए, दो सिम्टम्स बताइए जो इसके मेन सिम्टम्स हैं, क्या है इसके मेन सिम्टम्स है, फटाफट से सभी बच्चे एक बार मुझे बता देंगे। बता दीजिए क्या हो जाएगा, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, पैथोजन क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए भाई, इतने बच्चे जुड़े हैं, किसी को तो पता होगा। माहिर गुज्जर, रिपुंशम यादव, शिवांगी दुबे, जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, समय हो गया है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा होता है आपका टाइफाइड, किसके द्वारा होता है टाइफाइड, कोई भी बच्चा कमेंट कर दे, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट किया कीजिए भाई, कमेंट नहीं चल रहे क्या, चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। सेलमोनीला टाइफमीरियम किसके द्वारा होता है, सेलमोनीला टाइफमीरियम के द्वारा ये रोग होता है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता हो। बाकी आपका टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है और परीक्षण होता है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस मुनीता मीना, वेरी गुड। कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, और बताइए, स्टोमक पेन होता है इसमें, सीवियर स्टोमक पेन होता है, और फीवर वो भी कॉमन है, और कॉन्स्टिपेशन भी लिख लीजिए, और इसमें कांस्टेंट बुखार रहता है, वैसे हाई 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट हाई ज्वर, मतलब आपका हाई फीवर रहता है और ज्वर रहता है, बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी गुड वेरी नाइस, मतलब रिवाइज कर रहे हैं, टाइफाइड इंपॉर्टेंट रोग है, हेलीमेंथीस जो आज की, उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे, कवक के रोग को भी रिवाइज करेंगे, जो प्रोटोजोन स्टार्ट किया है उसको भी एक बार देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ साइकिल कर लेंगे और मलेरिया रोग भी ख़त्म कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी प्रतीक, जिसके भी आंसर आए, मोहम्मद साहिल, एमडी मेहताब आलम, संजू पाल, रिपुंशम यादव, मुनीता मीना, प्रदीप कुमार, सभी को, सुरेंद्र कुमार, अमित मौर्या, कमलेश कांबे, जसून खान, सभी को
सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक तो जुड़ने के लिए, जो और भी बच्चे सारे के सारे जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। दोबारा से शाम 5 बजे फिर से जुड़ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कल मैराथन में जुड़ना ना भूलिए बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय